गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार सिंह, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बितिया, बिहार से। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड ईयर के S9 में यूनिट 4 से विज्ञान में आकलन व मूल्यांकन के उपकरण क्या क्या होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने विज्ञान में आकलन एवं मूल्यांकन की अवधारणा क्या होती है उसके बारे में जाना, विज्ञान में आकलन एवं मूल्यांकन के सोपान क्या क्या हैं, उसके उदाहरण क्या हैं उनके बारे में अध्ययन किया। आज हम लोग विज्ञान में आकलन व मूल्यांकन के उपकरण क्या क्या होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। विज्ञान में आकलन एवं मूल्यांकन हेतु विभिन्न उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। विज्ञान में आकलन एवं मूल्यांकन के लिए जो है विभिन्न उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जिसका विवरण निम्न अनुसार है। परीक्षा प्रविधि या परीक्षा विधि के द्वारा जैसे है, इसके अंतर्गत हम लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा व प्रायोगिक परीक्षाएँ आती हैं। परीक्षा प्रविधि में जो है लिखित, मौखिक एवं प्रायोगिक परीक्षाएँ आती हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है प्रेक्षण तकनीकी। प्रेक्षण तकनीकी क्या है? प्रेक्षण तकनीकी में विद्यार्थियों के क्रियाकलापों का सावधानीपूर्वक, विद्यार्थी के जो क्रियाकलाप होते हैं उनका सावधानीपूर्वक प्रेक्षण अथवा अवलोकन आकलन की एक उत्तम विधि है। प्रेक्षण तकनीकी विधि जो है विद्यार्थियों के क्रियाकलापों का सावधानीपूर्वक प्रेक्षण अथवा अवलोकन आकलन की एक उत्तम विधि है। तीसरा है इसमें निर्धारण मापनी। निर्धारण मापनी क्या है? इस प्रविधि का उपयोग, निर्धारण मापनी का जो उपयोग, उन विभिन्न परिस्थितियों या विशेषताओं का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। जो विभिन्न मात्राओं में प्रस्तुत की जाती है निर्धारण मापनी कई प्रकार की हैं, जिनमें कुछ इस प्रकार के। निर्धारण मापनी का प्रयोग जो है हमें उन परिस्थितियों या विशेषताओं का मूल्यांकन करने के लिए करते हैं जिसमें विभिन्न मात्राएं प्रस्तुत होती हैं। निर्धारण मापनी के कई प्रकार के उदाहरण जो इस प्रकार हैं: संख्यात्मक मापनी, न्यूमेरिकल स्केल, ग्राफिकल स्केल। पहला हमारा ग्राफिकल स्केल, न्यूमेरिकल स्केल मीन्स संख्यात्मक मापनी। इसमें तीसरा है हमारा संचय अंक विधि से निर्धारण, मतलब रेटिंग बाई कुमुलेटिव पॉइंट्स। चौथा हमारा है कोटिक्रम मापनी। कोटिक्रम मापनी क्या है? रैंक ऑर्डर स्केल। कोटिक्रम मापनी हमारा है रैंक ऑर्डर स्केल। चौथा पॉइंट हमारा है पड़ताल सूची। पड़ताल सूची में क्या है? यह व्यक्तिगत सूचना एवं मत जानने का प्रमुख साधन है। इसमें अपने मत पर चिन्ह लगाना होता है। पांचवा पॉइंट हमारा है आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख। आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख क्या है? आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख में छात्रों के प्रतिदिन के निरीक्षण में, जो छात्रों का प्रतिदिन का निरीक्षण होता है एवं कभी कभी उनके व्यवहार या प्रतिक्रिया को अधिक स्पष्टता से परखा जाता है। जिसको जॉन डी विलार्ड के अनुसार क्या है, छात्र के जीवन की जो घटना प्रेक्षक द्वारा महत्वपूर्ण समझी जाती है, उसका वर्णन ही आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख है। आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख प्रपत्र क्या है? इसमें पहले हम छात्र का नाम लिखेंगे, उसके बाद उसकी कक्षा क्या है, फिर दिनांक क्रम से लिखेंगे, फिर स्थान और टिप्पणी करेंगे उसके बाद। छठा पॉइंट हमारा है इसमें साक्षात्कार। साक्षात्कार क्या है? यह एक आकस्मिक विधि है।
जिसके द्वारा बालक की समस्याओं और गुणों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यह एक आकस्मिक विधि है और इसके द्वारा बालक की समस्याओं और गुणों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। सातवां पॉइंट हमारा है प्रश्नावली या क्वेश्चनायर। क्वेश्चनायर क्या है? बालक से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए, बालक से जो संबंधित सूचनाएं होती हैं उसको प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नावली विधि कई प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं। वो क्या क्या है? बंद प्रश्नावली। बंद प्रश्नावली क्या है? इसमें प्रत्येक प्रश्न के सामने, बंद प्रश्नावली में जो है प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके वैकल्पिक उत्तर दिए होते हैं। बंद प्रश्नावली में जो है प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके वैकल्पिक उत्तर भी दिए होते हैं, जिसमें से सबसे अधिक उपयुक्त, जिसमें से जो है सबसे अधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करना होता है। उसमें सबसे अधिक उपयुक्त उत्तर कौन सा है उसका चयन करना होता है। उसके बाद दूसरा इसमें है हमारा खुली प्रश्नावली। खुली प्रश्नावली में क्या है? इसमें उत्तरदाता उत्तरों को स्वयं, खुली प्रश्नावली में जो है इसमें उत्तरदाता उत्तरों को स्वयं अपनी अनुक्रिया के अनुसार, उसकी अनुक्रिया क्या है उसके अनुसार जो है प्रस्तुत करता है। और मिश्रित प्रश्नावली होती है। मिश्रित प्रश्नावली में क्या है? इसमें उपरोक्त दोनों प्रकार के प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं। तीन प्रश्नावलियाँ कौन कौन सी हैं हमारी? बंद प्रश्नावली, इसमें प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके वैकल्पिक उत्तर दिए होते हैं। बंद प्रश्नावली प्रत्येक प्रश्न के सामने जो है उसके वैकल्पिक उत्तर दिए होते हैं, उसमें सबसे उपयुक्त उत्तर जो होता है उसका हमें चयन करना होता है। दूसरा हमारा है खुली प्रश्नावली। खुली प्रश्नावली क्या है? इसमें उत्तरदाता उत्तरों को स्वयं, इसमें उत्तरदाता उत्तरों को स्वयं अपनी अनुक्रिया के अनुसार प्रस्तुत करता है। और तीसरा हमारा मिश्रित प्रश्नावली। मिश्रित प्रश्नावली में क्या है? इसमें उपरोक्त दोनों प्रकार के जो प्रश्न होते हैं दोनों सम्मिलित होते हैं। उसके बाद है संचित अभिलेख। संचित अभिलेख में क्या है? कुमुलेटिव रिकॉर्ड संचित अभिलेख आठवां पॉइंट हमारा है। डब्ल्यू सी एलिन महोदय के अनुसार संचित अभिलेख में छात्र के व्यक्तिगत मूल्यांकन से संबंधित, संचित अभिलेख में छात्र के व्यक्तिगत मूल्यांकन के संबंधित सूचनाओं का आलेख होता है। इसमें क्या होता है? छात्र से के व्यक्तिगत मूल्यांकन संबंधित जो सूचना होती है उसका एक आलेख होता है। यह छात्रों की आवश्यकताओं को समझने के लिए अधिक सहायक है। शिक्षक छात्र से संबंधित सभी तथ्य इन अभिलेखों से प्राप्त कर सकते हैं। जो छात्रों को शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देश देने में सहायक होते हैं। संचित अभिलेख क्या होते हैं फिर से एक बार? एलन महोदय के अनुसार संचित अभिलेख में छात्र का जो व्यक्तिगत मूल्यांकन होता है से संबंधित सूचनाएं जो होती है उसका एक आलेख होता है। यह छात्रों की आवश्यकताओं को समझने के लिए सबसे अधिक सहायक है। शिक्षक छात्र से संबंधित सभी तथ्य इन अभिलेखों से प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षक और छात्र से जो संबंधित तथ्य होते हैं हम इन अभिलेखों के माध्यम से उसको प्राप्त कर सकते हैं। जो छात्रों को शैक्षिक तथा व्यवसायिक, जो शिक्षक छात्र संबंधी जो तथ्य होते हैं इन अभिलेखों को हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जो छात्रों को जो शैक्षिक तथा व्यवसायिक निर्देश जो होता है उसको देने में भी जो है संचित अभिलेख जो है बहुत सहायता प्रदान करता है। थैंक यू। अब हम लोग अगले लेक्चर में अपने विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन के क्या कार्य होते हैं, किन किन क्षेत्रों में उसके कार्य हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।